आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित राष्ट्र निर्माता के रूप में कार्य कर रहे हमारे सहयोगीगण, देश के सुनहरे भविष्य को साकार करने वाले हमारे बच्चे तथा अन्य आगत अतिथिगण, आज हम स्वाधीनता दिवस की 71वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम सर्वप्रथम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जो अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हम उन माताओं को नमन करते हैं जिनकी गोद सूनी हो गई। हम उन वाहनों को नमन करते हैं जिनकी मांगे उजड़ गई। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महायज्ञ का प्रारंभ है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे ने किया और अपने प्राणों को भारत माता पर न्योछावर कर दिया। देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम के रूप में बदल गई जिसमें पूरा देश कूद पड़ा। इस आजादी के लिए महात्मा गांधी ने जहां सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया, वहीं बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का सिंहनाद किया। चंद्रशेखर आजाद ने आजादी को ही अपना धर्म बताया। भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारी नेताओं ने देशवासियों में देशभक्ति की जो लहर पैदा की, वह भारत को आजाद करके ही शांत हुआ। भारत की आजादी में संत महात्माओं का भी योगदान कम नहीं है। सदगुरु सलाफल देव जी महाराज ने सन 1920 ईस्वी में भारत की आजादी के लिए दानापुर में पलटन के बीच जोशपूर्ण क्रांतिकारी भाषण दिया था। अंग्रेजी हुकूमत का उस समय बोलबाला था, कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी जुबान तक नहीं हिला सकता था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर विद्रोह करने का उन पर मुकदमा चला और 22 दिसंबर 1920 को उन्हें 2 वर्ष की सश्रम सजा दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। भारत की आजादी के लिए इन्होंने योग की उच्च भूमि अक्षर मंडल में स्थित होकर संकट मोचन नामक एक पुस्तिका लिखी और तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। संकट मोचन में स्वामी सराफल देव जी लिखते हैं, ब्रिटिश राज्य अब दे उठाई, असुर नीति अब सहा न जाई, कूटनीति अन्याय स्वरूपा, अत्याचार रक्तले भूपा, कर स्वतंत्र भारत दुख जाई, हो स्वराज्य मही स्वर्ग बनाई। देश का आजाद होना और लोकतंत्र काम कायम होना, इसे मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। सभी देशी रियासतों को खत्म कर पूरे भारत को एक बनाने का बहुत बड़ा काम
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजादी के 71 वर्षों में हम कई मामलों में बेशक आत्मनिर्भर हुए हैं, मसलन अनाज, कपड़ा, सड़क, दूरसंचार जैसे बहुत से चीजों में हमने काफी प्रगति की है। बैलगाड़ी से लेकर अंतरिक्ष यान तक की यात्रा की है। कहने को तो लोकतंत्र के अस्थायित्व के नाम पर, तकनीकी प्रगति के नाम पर, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के नाम पर विदेशों में भारत का कद अवश्य ऊंचा हुआ है, किंतु असली सफलता तो इंसानियत की होती है जिसे हमने खो दिया है। आज हर जगह भ्रष्टाचार, बेईमानी, आतंकवाद, घुसखोरी जैसी भ्रष्ट नीति सुरक्षा की भांति अपना मुंह फैलाए जा रहा है। जब हम इंसान ही बने नहीं रहेंगे तो बाकी सारे चीजों का मानवता के निमित्त क्या प्रयोजन। आज हम 21वीं सदी में हैं। विज्ञान, तकनीक तथा भौतिक निर्माण में हम किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि क्या मनुष्य निर्माण हो रहा है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश भारत इसलिए महान नहीं बना कि जहां संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय और सबसे पवित्र नदी गंगा है, बल्कि यह देश इसलिए महान बना कि यहाँ हिमालय से भी ऊंचे और गंगा से भी परम पावन मनुष्य पैदा हुए हैं। आज उन्हीं मनुष्यों की खोज है, ऐसे चंद इंसान हो जाएं तो यह देश हर संकट का मुकाबला कर सकता है और हर सपने को साकार कर सकता है। सचमुच आज की स्थिति बड़ा भयावह है, बड़ी दयनीय है। आज हमारा जितना नैतिक पतन हो गया है उतना हमारे इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। परिस्थितियां प्रतिकूल और विरोधी हैं। ऐसी दशा में सुधार का काम लाना और विकास करना आसान बात नहीं। फिर भी घोर संताप और निराशा के बीच ही आशा का दीप जलता है। फिर भी आशा की एक किरण है, ज्योति की एक रेखा है। वह किरण, वह ज्योति कोई दूसरा नहीं बल्कि ये सामने बैठे हुए बच्चे हैं। इन्हीं पर सारे देश का भविष्य निर्भर है। सारे देश की आंखें इन्हीं पर टिकी हुई है। दूषित वातावरण में भी पैदा होकर प्रतिकूल परिस्थितियों में पलकर भी उम्मीद है, आशा है कि ये बच्चे देश को इस निराशा के नैतिक पतन के गर्त से निकाल सकेंगे। जिस प्रकार कीचड़ में कमल का निर्मल फूल खिलता है, जिस प्रकार खाद से धान की बालियां पुष्ट होती है, जिस प्रकार अंधकारमयी रजनी से बाल रवि मुस्कुराता है, ठीक वैसे ही बच्चों तुम्हें विकसित होना है। तुम्हें देश को सत्य, न्याय, ईमानदारी, कर्तव्य प्रायणता आदि उदात्त भावनाओं से भर देना है। यहाँ पर एक सवाल यह उठना लाजिमी है कि तुम यह सब करोगे कैसे। जीवन के सद्गुणों को अभी से अपनाकर, अपने प्रत्येक काम को महत्वपूर्ण समझकर, जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करके तुम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारा विद्यालय में पढ़ना महत्वपूर्ण है, तुम्हारा शाम को खेलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सभी काम को समय पर करो, हर समय के लिए कार्य है और हर काम के लिए निहित समय है। तुम्हें अपने हर काम में ईमानदारी अपनानी चाहिए। ईश्वर ने जो तुम्हें गुण दिए हैं उन्हें जहां तक हो सके विकसित करना चाहिए। यही चरित्र निर्माण है, यही शिक्षा का उद्देश्य है और इसी में भारत की उन्नति और उज्ज्वल भविष्य की आशा निहित है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Principal Sir, for giving us your previous time. Now,